हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाशमा स्टाइल्स। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कैसे इस लॉकडाउन में आप अपने घर पर होममेड वैक्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से हम लड़कियों को सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की हो रही है, पार्लर की। अब पार्लर तो जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है और जाना भी नहीं चाहिए और जाना सेफ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने घर में एक होममेड वैक्स तैयार करेंगे जिसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। पहली चीज़, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अब बाहर जाकर हमें बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे सिर्फ वैक्स के लिए। दूसरी चीज़, ये नेचुरल है। सारी ही चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, सारे हमारे होम इंग्रेडिएंट्स हैं और उनसे बनाकर हम इजीली इस वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, आराम से आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के बाद भी आपको इस वैक्स का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज, एक मिनट, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग होंगे जल्दी से जाएंगे और बस स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इसे अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखना है, इसकी रेसिपी देखनी है कैसे हमें इसे बनाना है, और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने हैंड पर एक पैच टेस्ट करना है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जाना तो है नहीं, तो इतनी जल्दी किस बात की। आराम से एक पैच टेस्ट करिए, थोड़ी देर वेट करिए और देखिए इसके कोई आपको इरिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही, क्योंकि सबकी स्किन जो होती है वो सेम नहीं होती। किसी की मुझसे ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो सकती है, किसी की अच्छी और हो सकती है। तो आप जो है सबसे पहले एक पैच टेस्ट करें, उसके बाद ही इसको यूज करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप ऑफ शुगर, 1/3 कप ऑफ हनी और मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया। अब एक बाउल में मैं सबसे पहले अपनी 1/2 कप शुगर डाल दूंगी, इसके बाद 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूंगी, इसके बाद जो मेरा 1/3 हनी था वो ऐड कर दूंगी। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारी जितनी शुगर ली है आपने क्वांटिटी, उतनी ही क्वांटिटी में आपको पानी ऐड करना है। अब इस हमारी गैस को हमेशा हम लो पर रखेंगे और जब तक ये शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाती है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। अब कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको प्रिपेयर करनी है। अब आप यहाँ कहेंगे कि वैक्स तो रेडी हो गई पर स्ट्रिप्स कहाँ से लाएँ, तो स्ट्रिप्स के लिए आप कोई भी जो कॉटन क्लॉथ होता है हमारे घर में वो यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा हार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रिप्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और वैक्स को अप्लाई करने से पहले आप कोई भी पाउडर का ज़रूर यूज़ करें। तो अब मैं पाउडर लगाकर जिस साइड में मेरी हेयर ग्रोथ है उसी साइड में मैं इस वैक्स को अप्लाई करूँगी। आप कोई भी बटर नाइफ ले सकते हैं, स्पून की जो पीछे की साइड होती है वो ले सकते हैं, और उससे एक थिन लेयर अप्लाई करके जो ये स्ट्रिप है उसे लगाएं और रब करें अच्छे से। और जो इसकी दूसरा डायरेक्शन हो, मतलब जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसे पुल करना है। अब ये देखिए, मेरी बहुत कम ग्रोथ थी वो भी इस वैक्स से निकल आई है। तो यहाँ है मेरे सिल्की स्मूथ हैंड्स, आप इसे लेग्स पे, हैंड्स पे, अंडर आर्म्स पे, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अब लेग्स और हैंड्स को तो आप छुपा भी सकते हैं बट फेशियल हेयर्स को बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। तो इस वैक्स को सबसे अच्छी बात है कि आप इसे अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने अपर लिप पर पाउडर अप्लाई कर लूँगी, इसके बाद में मैं वैक्स लूँगी और उससे जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है उस पर अप्लाई करूँगी, वैसे अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर दूंगी। तो ये देखा आपने कितनी आसानी से इससे हमारे अनवांटेड हेयर्स रिमूव हो चुके हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने रिव्यूज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भर भर कर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।